करना है। अच्छा, सीक्वेंस यही रखना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अगर इसमें से आपने अगर कोई मिस कर दिया या इनको आगे पीछे कर दिया तो फिर ये ट्रिक काम नहीं करेगी। हमको करना है अंडर रूट 0/4, अंडर रूट 1/4, अंडर रूट 2/4, अंडर रूट 3/4 और अंडर रूट 4/4। तो अंडर रूट 0/4 ये हो गया 0, तो है एंगल थीटा और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है। तो साइन 0 डिग्री हो गया 0। इसी तरह से अंडर रूट 1/4 ये हो गया 1/2, तो साइन 30 डिग्री हो गया 1/2। ये 2 2 4 दो बार कट जाएगा, तो ये हो गया अंडर रूट 1/2 यानी कि 1/√2। ये हो गया अंडर रूट 3/2 और ये हो गया 1। कॉस में ये रिवर्स हो जाएगा डायरेक्शन, यानी कि अंडर रूट 4/4, अंडर रूट 3/4, अंडर रूट 2/4, अंडर रूट 1/4 एंड अंडर रूट 0/4। तो कॉस की वैल्यूज हो जाएगी 1, दैट इज कॉस 0 डिग्री इज 1 बिकॉज दिस इज 1। फिर अंडर रूट 3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। टेन होता है ये साइन अपॉन कॉस, हम यहां से सीधे निकाल सकते हैं। टेन 0 डिग्री हो जाएगा 0/1 मीन्स 0, 1/√2, 1/2 इंटू 2/√3, तो ये हो गया 1/√3। ये इसको इससे डिवाइड किया तो ये हो गया 1 और ये हो गया अंडर रूट 3 और 1/0, 1/0 इज इन्फिनिटी। अभी आप इतना समझ लीजिए कि तो अभी एक्सिस बना लें और इस एक्सिस पर साइन है वो कॉस में, कॉस है वो साइन में, टेन है वो कॉट में, इस एक्सिस पर साइन है वो साइन में, कॉस है वो कॉस में, टेन है वो टेन में, और दूसरा है एक्स, ऑल प्लस, कॉस प्लस, टेन प्लस, साइन प्लस। ये हम जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। एक्स को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखते हैं। अब इसमें किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमने लिया साइन 120 डिग्री, तो साइन 120 डिग्री यहां पर आया 90 प्लस 30, इसको हमने लिख दिया साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इस वाले क्वाड्रेंट में आया और इस एक्सिस पर है, तो साइन तो हो जाएगा कॉस, तो ये हो गया कॉस थीटा, कॉस 30 डिग्री। और क्योंकि यहां पर साइन के एंगल है वो प्लस रहेगा इस क्वाड्रेंट में, तो ये प्लस कॉस 30 डिग्री हो गया और प्लस कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2। अब जैसे हमें निकालना है कॉस थर्ड क्वाड्रेंट की कोई वैल्यू ले लें, 180 प्लस 20, 210, कॉस 210, तो ये हो गया कॉस 180 प्लस 30 डिग्री। तो इस एक्सिस पर कॉस है वो कॉस ही रहेगा, तो पहली बात तो ये हो गया कॉस 30 डिग्री और सिर्फ टेन वाले प्लस हैं, एंगल्स बाकी सारे माइनस हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस 30 डिग्री। तो इसकी वैल्यू हो गई माइनस अंडर रूट 3/2। अगर हम कोई एंगल लें साइन 300 डिग्री, वैसे तो एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर अलाउड होता है, परंतु तो डेरिवेशन करते समय ये जो मेन एंगल्स हैं इनकी वैल्यूज हमें मालूम होनी चाहिए और ये जो इसके मल्टीपल्स हैं जो हमने ये सारे सीखे हैं
ये भी हमको मालूम होने चाहिए। साइन 30 डिग्री को हम ले सकते हैं साइन 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 270 प्लस 30 डिग्री यहाँ आया वर्टिकल पे, साइन वो कॉस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस 30 डिग्री और 270 प्लस थीटा में ओनली कॉस आर पॉजिटिव एंड ऑल अदर आर नेगेटिव, दिस इज साइन, तो ये नेगेटिव हो गया, तो अगेन कॉस 30 डिग्री, तो ये हो गया माइनस अंडर रूट 3/2। कोई एंगल हम माइनस में लें जैसे कि साइन माइनस 690 डिग्री, तो जैसे आपको बताया था साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो पहले तो हमने इसको लिख लिया माइनस साइन 690 डिग्री। अब एक एक पाई यानी कि टू पाई पूरा एक जो परिक्रमण है वो 360 होता है, 720 के दो परिक्रमण हो गए, तो उसको या तो 720 माइनस करके लिखें या फिर हम 360 प्लस करके लिख सकते हैं। तो हम अगर 720 माइनस करके लिखें तो ये हो गया माइनस साइन 720 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो 2 पाई माइनस थीटा, 4 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा इस एक्सिस पर है, तो ये हो गया साइन, तो साइन रहेगा और सिर्फ कॉस प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, इसको मैं अच्छी तरह लिख देता हूँ थोड़ा सा, ये माइनस तो ये वाला, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस साइन, साइन का साइन रहा 30 डिग्री, तो ये टोटल हो गया प्लस साइन 30 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री इज हाफ, ये हो गया हाफ, तो माइनस साइन माइनस 690 डिग्री की वैल्यू हो गई हाफ या 1/2। इस प्रकार से हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अन्य जो एंगल या त्रिकोणमितीय जो फॉर्मूला है जो यूज होंगे, एक तो है साइन 2a जो बराबर है 2 साइन a कॉस a, इसमें फॉर्मूला ये भी बन जाता है कि साइन a इज इक्वल्स टू 2 साइन a बाय 2 कॉस a बाय 2, इसी प्रकार से कॉस 2a इज कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a या 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। इसी प्रकार से टेन 2a की वैल्यू हो जाती है 2 टेन a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर a, और अगर यहां पर एक 2a के स्थान पर a रख देंगे तो ये ऐसे भी चेंज हो जाता है, टेन a इक्वल्स टू 2 टेन a बाय 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर a बाय 2 इस्तेमाल करेंगे, तो साइन रूल हमें मालूम होना चाहिए। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, किसी भी ट्रायंगल में जैसे कि ये ट्रायंगल है, ये एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी, तो ये वाला तो कोण ए है, ये बी है, ये सी है, और ट्रिग्नोमेट्री में इनकी जो सामने वाली भुजा है इसको स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो साइन रूल ये कहता है कि साइन ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू साइन सी अपॉन सी। ये साइन के साथ जो कैपिटल में हमने लिखा है ये तो है एंगल, और ए बी और सी जो छोटे अल्फाबेट्स में लिखा है ये है ये भुजा है। इसको हम रिवर्स भी लिख सकते हैं, जैसे कि ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन ऑफ एंगल सी, ये छोटा सी है और ये हमेशा कांस्टेंट भी होता है, ये भी कांस्टेंट इक्वल्स टू कांस्टेंट है और ये भी एक इक्वल्स टू अ कांस्टेंट है। कॉस रूल है, कॉस ए कॉस ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू, देखिए ध्यान से देखिए, जब ए है तो यहां पे आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी, यानी कि ए है वो माइनस में आया
और बी स्क्वायर और सी स्क्वायर की जो भुजाएं हैं वो प्लस में हैं। इसी तरह से कॉस बी है वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए सी, और कॉस सी एंगल हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी। इसमें एक कॉट नियम भी है कि जैसे सपोज ये कोई ट्रायंगल है, आपको डायरेक्ट जो थ्योरम है वो बता देता हूँ। सपोज ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, और इसी सी से एक रेखा इस प्रकार से है कि ये डी पर इसको एम इस टू एन के अनुपात में काटती है रेखा ए बी को, और ये एंगल है अल्फा और ये एंगल है बीटा के बराबर, तो इसको कहते हैं कॉट थ्योरम। कॉट थ्योरम इसमें है कि एम प्लस एन, ये एंगल हमने थीटा लिया, ये थीटा एंगल होगा, ये फिक्स है सारी चीजें, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल थीटा है, ये अल्फा है, ये बीटा है। अगर रिवर्स होता है कि वो चेंज होती हैं, तो हमको इसको देखकर, इस चित्र को देखकर फॉर्मूला लिखना है और नए रूप में लिखना है, पर ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो एम प्लस एन कॉट थीटा इज इक्वल टू एन कॉट ए माइनस एम कॉट बी, और एम प्लस एन कॉट थीटा इज इक्वल टू एम कॉट अल्फा माइनस एम कॉट बीटा।